मामा रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। तो देख रहे हैं मैं कहाँ बैठी हूँ। आज बड़ा अच्छा प्यारा मौसम हो रहा था तो मैं विंडो के पास बैठी थी, तो मैंने कहा सोचा कि चले यहीं बैठ के इंट्रो बना लेती हूँ। वैसे इंट्रो की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, मैं वीडियो में क्यों नहीं बोल सकी, वो वीडियो के दौरान ही आपको बताऊँगी। और इंट्रो की ज़रूरत क्यों पड़ी, और होपफुली आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि हेयर डाई कराया मैंने, क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी, किस मजबूरी में कराया, किस वजह से कराया, अपने लुक को चेंज, ये आपको मैं वीडियो के दौरान इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। और आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये चेंज लुक, और बाहर का वेदर आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत दिनों बाद यहाँ बैठी हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है, जुलाई अगस्त शुरू हो गया, 2 अगस्त है और बहुत प्यारा वेदर है। तो मैंने हेयर डाई जो कराया था वो कहाँ कराया था, किस जगह से कराया था, कैसा सैलून है, सारा कुछ देखिएगा। बहुत शॉर्ट से वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, और होपफुली आप उसको सारा का सारा देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा होगा व्लॉग आज का, मिन्नू सा जिसे मैं कहती रहती हूँ। तो ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बेहद दुआएं, जिन्होंने नहीं भी किया ये नहीं कि उनके लिए दुआएं नहीं करती हूँ, और उनका थैंक यू नहीं, उनके लिए भी दुआएं और उनका बेहद शुक्रिया। तो चलिए मेरे ख्याल में वक्त आया कि ये बगैर ब्लॉग की तरफ चलते हैं, आप बोर ना हो जाएं। जो सवाल मैंने किए हैं इनका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। एक मिनट जी, आगे थे हम कोलंबो मॉल में, और ये देखें मैं क्या लग रही हूँ और क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले तो बंदा ऐसे ही लगता है ना। पार्टीशन की थी उन्होंने और बहुत अच्छा सैलून है माशाल्लाह से, कोलंबो मॉल लिस्बन में। जब कोलंबो मॉल तो कई दफ़ा कई वीडियोस में मैंने दिखाया भी आपको, अभी तक मेरे वही जी व्लॉग्स चल रहे हैं माशाल्लाह से। इतना कुछ आउटिंग की थी कि अभी तक स्टिल वही चल रहे हैं। और मेरी ये छोटी बड़ी से छोटी बहू जो है वो भी ट्रीटमेंट करा रही थी, दोनों बहुएँ भी साथ करा रही थी, उनका भी हेयर ट्रीटमेंट हो रहा था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा और एटमोसफियर बहुत अच्छा था, और सिर्फ ये नहीं आता कि आपका कलर अच्छा हो गया या आपको अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रिम कर दिया बालों को या कुछ भी ना, सर्विस में ये भी आता है कि उनका अखलाक कैसा है ना, उनकी बोलचाल, उनकी डीलिंग कैसी है आप सबके साथ, तो अपने क्लाइंट्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा। और वो एक जो है ना, उन्हें पता भी था कि हम मतलब यूके से गए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वो रिगार्ड कर रहे थे और बहुत अच्छे मज़ा आया वहाँ पर ना ट्रीटमेंट करा के। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, सॉरी मैं उस वक्त नहीं कर लगा जो हेयर डाई लगा रहे थे मुझे, मतलब स्ट्रीक्स की तरह जो होता है ना हाईलाइट्स वो किए थे उन्होंने। और ये देखिएगा जब उन्होंने मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट करके पहले छोड़ा था और वॉश करके पहले ब्लो ड्राई किया था और थोड़ा सा इसको इस तरह किया था और फिर ट्रिम करना है अभी इन्होंने। तो आप बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा ये, और किसकी फरमाइश पे किया, क्योंकि मैं शुरू से आपसे पूछ रही हूँ ब्लॉग के इंट्रो में। तो ये मेरे बच्चों की बेहद फरमाइश थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहते थे कि बचपन में हमने आपको तस्वीरों में या नहीं देखा है, इसके बाद फिर इस तरह आपको नहीं देखा। माशाल्लाह से बहुत मैं हेयर स्टाइल बनाया करती थी, कभी परमिंग, कभी क्या, कभी क्या। हेयर डाई तो बहुत बाद में मैंने शुरू किया था, क्योंकि मतलब चेंज किया था जब कलर मेरे ब्लैक हुआ करते थे, लेकिन इनके जो फादर थे बच्चों के उनको बहुत शौक था, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, तो फिर मैंने इस तरह का कलर, उसके बाद फ्लिक्स, बहुत हर तरह का हेयर स्टाइल बनाती थी। तो जब बच्चे तस्वीरें देखते थे तो कहते थे कि बस अब आप एक ना कैचर लगा लेती हैं या कोई जूड़ा सा बना लेती हैं, हल्का सा बालों को लपेट लेती हैं, तो कोई आप अपना ना चेंज कराएं। एक दफ़ा क्या हुआ, एक दिन मेरी बहू भी बहुत ज़ोर दे रही थी ना, बड़ी वाली बहू, तो वो लेके गए मुझे सारे इधर लेके आई सैलून के एंट्रेंस से, मैं वापस चली गई ना एक दिन। मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है फिर आ जाऊँगी फिर करा लूँगी, लेकिन आखिरकार फिर मुझे पकड़ी गई, फिर सबके पूरे जोर इसरार पर जिसे कहते हैं ना बेटों बहुओं बेटी के दामाद के, सबकी ख्वाहिश थी कि मैं कलर चेंज करूँ, ज़रा लुक चेंज करूँ अपनी। और मेरी बहू यही कह रही थी, मेरी दोनों बहुएँ माशाल्लाह से अपना ट्रीटमेंट करा के उनके भी बहुत अच्छा हुआ था, और फिर मेरी वीडियो बनाना शुरू हो गई वो दोनों
उनका ज़रा जल्दी फ्री हो गई थी, और हेयर कट भी थोड़ा थोड़ा ट्रिम कराया था, इतना ज़्यादा नहीं। और ये लेडी भी बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी, और मेरी नोज़ पिन देख के कहती हैं कि आप पंजाबी हैं। मतलब लोग इस तरह से पूछते, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए, आप बताइएगा कैसा लगा आपको। और हल्की हल्की ट्रिमिंग कराई थी बिल्कुल भी, मैंने उन्हें कहा था आगे मेरे बाल इतने छोटे हैं तो छोटे ना कीजिएगा, तो बस उन्होंने बस आखिरी से ना, ये देखिए फाइनल लुक आप देख लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटा सा ब्लॉग था जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेहद शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर लीजिएगा, और होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, मैंने आपसे कहा था ना दो ख्वाहिशें पूरी की बच्चों की, एक तो ये थी, एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिएगा कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई थी बच्चों की। मामा तो ये देखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। एक मिनट।